और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद इम्तियाज हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। इम्तियाज, जमालपुर सुल्तानगंज भागलपुर रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इसे लेकर? देखिए, ट्रेनों का परिचालन शुरू करने के पहले जो है पूरी तरह से इंजीनियरिंग की टीम जो है रेल विभाग की पूरे ट्रैक का मुआयना की है। मुआयना करने के बाद उस पर इंजन को चलाया गया, ट्रायल के लिए एक इंजन को चलाया गया। उसके बाद एक फिर पैसेंजर ट्रेन को चला कर करके ट्रेन को उस रूट को चालू कर दिया गया है। जी बिल्कुल, तो अब क्योंकि देखिए परिचालन ट्रेनों का शुरू हो गया तो जाहिर सी बात है यात्रियों के लिए भी अब ये सुविधाजनक हो जाएगी। जी हाँ, इम्तियाज, यात्रियों के लिए लगभग 3 दिनों के बाद ये रूट चालू हुआ है। गंगा का जलस्तर थोड़ा सा रेल ट्रैक पर से नीचे हो गया है। उसके बाद जब जैसे ही ये गया है, ये कहा जाए कि यात्रियों के लिए एक राहत भरी खबर है ये कि अब वहाँ इस रूट में जो है भागलपुर, सुल्तानगंज और जमालपुर होते हुए ट्रेनें अब गुजर पाएंगी। जी जी बिल्कुल। और फिलहाल अगर बाढ़ की तस्वीर की बात करें तो स्थिति फिलहाल सामान्य है? जी जहाँ बाढ़ की स्थिति अभी सामान्य है, गंगा का पानी जो है धीरे धीरे उतर रहा है, रेल ट्रैक पर से पानी उतर गया है, जिसके बाद इंजीनियरों ने जो है उसका पूरी तरह से मुआयना किया था, तब जाकर के रेल का परिचालन शुरू किया गया है। जी 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 बहुत बहुत